नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीका से सारे वीडियो को फॉलो करते होंगे, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीका से आप बनाते होंगे। इस उम्मीद पर पानी मत फेरने देना। चलिए आप लोग आगे चलिए। बहुत बहुत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छे तरीका से पढ़िए। आज एक बेहतर टॉपिक लेकर फिर से आए हैं, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान, ताप और तापमान से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, टेक्निशियन में पूछा गया है, एलपी में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। सारे एग्जाम में 2014 से 2018 का क्वेश्चन बैंक अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस एग्जाम में टेम्परेचर से रिलेटेड किस टाइप का सवाल बना है। और हर एक सवाल यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो हर टाइप के सवाल आपके नजर से गुजरेगा और आपसे एग्जाम में यदि सवाल पूछेगा तो 100% बनेगा। इसलिए मेरे दोस्त आइए हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर चलते हैं, बिल्कुल बेस्ट कलेक्शन आपको अभी मिलेगा। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी, उसी के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए बोले थे कि अंत तक इसमें आप बने रहेंगे तो आपके हर टाइप के सवाल टेम्परेचर का आपको मिल जाएगा। तो आइए, सवाल क्या कहता है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात तो आप यह ध्यान रखिए कि टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो इसमें एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, पहले हम उसी पर चलते हैं या यहां पर हम लिख देते हैं, आप भी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। एक फॉर्मूला इसमें टेम्परेचर में होता है डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट और केल्विन के रिलेशन का। यदि यह फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सारे सवाल आपसे बनेगा। किसका किसका रिलेशन, डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट और केल्विन। रिलेशन होता है 0°C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273.15/5। गौर करना बउआ, अब ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना, एकदम कॉपी में नोट कर लो और अपने ब्रेन में नोट कर लो कि टेम्परेचर से रिलेटेड कभी भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूला का यूज होगा। कौन, 0°C बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अभी 273.15 लिखा रहा था बाबू, एग्जैक्ट डाटा यही है, लेकिन 0.15 को छोड़ भी देंगे तो आपका न्यूमेरिकल 100% बनेगा। तो इसलिए यदि आप इसको हटा देते हैं तो आपके जनस्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि K-273/5। फिर एक बार सुनिएगा, डिग्री सी बट्टे 5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। यदि आप इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो फॉरेनहाइट में निकल जाएगा, फॉरेनहाइट में रहेगा डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में रहेगा केल्विन में निकल जाएगा, केल्विन में रहेगा सेल्सियस में निकलेगा, केल्विन में रहेगा फॉरेनहाइट में निकलेगा, फॉरेनहाइट में रहेगा केल्विन में निकलेगा। यानी इसमें से कोई एक का मान देगा और दूसरे के बारे में पूछेगा, पटपट मान बैठाइएगा और सर सर जोर घटाव कीजिएगा, खटखट आंसर आ जाएगा। पक्का ना, याद हो गया? यदि याद हो गया तो आप जल्दी कमेंट कीजिए, यस सर यस सर यस सर, हम आपकी कमेंट को देखना चाहते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए यस सर यस सर यस सर। और इसको याद कीजिए, डिग्री सी बट्टे 5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। याद हो गया? याद हो गया तो आइए, ये क्वेश्चन था कि -273°C तापमान किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा, जब 0°C/5 बराबर K-273/5 होता है तो E5 कट जाएगा, तो 0°C किसके बराबर हो गया, इसके को इधर ले जाएंगे तो K बराबर 273 हो जाएगा। कब, जब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होगा 0, होगा ना भाई? तो जब इतना डिग्री सेल्सियस दे दिया था तो डिग्री सेल्सियस में के को इधर लाए कितना हो गया, 273 हो गया। इसका मतलब कितना केल्विन हो जाएगा, ये 0°C है तो ये 0 केल्विन हो जाएगा। किसके बराबर, तो आपको -273 के बराबर। गौर कीजिएगा, फॉर्मूला होता है 0°C/5 बराबर
के माइनस 273/5 तो ई 5 ई 5 कट गया तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर के माइनस 273 के बराबर। के को यदि यहां लेके चले आए चुकी के और ये तो बराबर होगा भाई तो आपको 0 डिग्री के किसके बराबर हो जाएगा माइनस 273 के बराबर। अतः क्वेश्चन था कि माइनस 273 किसके बराबर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 केल्विन के बराबर होगा और 0 केल्विन किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस जो है के माइनस 273 के बराबर या माइनस 273 जो है ये 0 केल्विन के बराबर होगा। पक्का ना क्लियर ये कौन रिलेशन से बना डिग्री सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5 5 कट गया तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 इसलिए 0 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा 0 केल्विन बराबर हो जाएगा माइनस 273 तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर तो 0 डिग्री केल्विन के बराबर या 0 केल्विन के बराबर। पक्का ना तो आंसर क्या हो गया भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया। पक्का हो गया चलिए तो आगे बढ़िए ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को एकदम याद रखिएगा डिग्री सी बट्टे 5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5 एकदम इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा सारा सवाल आपसे बन जाएगा। तो चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं क्या कहता है भाई चलिए अगला सवाल कहता है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित कीजिए। कहता है डिग्री सेल्सियस में यदि मान 372 दिया है तो केल्विन में क्या होगा तो गौर करना 0 डिग्री सी बट्टा 5 बराबर एफ ये केल्विन पूछ रहा था तो केल्विन के लिए क्या हो जाएगा के माइनस 273/5 ध्यान देंगे डिग्री सी बराबर के माइनस 273/5 तो E5 कट जाएगा कहेंगे हाँ सर कट जाएगा क्योंकि दोनों जब बराबर में है अब बेस दोनों का समान है तो ई दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या डिग्री सी बराबर के माइनस 273। अब डिग्री सी का मान कितना दिया हुआ है ये 372 है ये 372 उसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 273 बराबर क्या के तो के का मान कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए 3, 2, 5, 7, 7, 14 के 4 बाकी 1, 3, 2, 5, 1, 6, 675 आया यानी के का मान कितना आ गया 675 आ गया है किसी ऑप्शन में क्या कहीं कहां पर है भाई तो आपका जो है ये ऑप्शन नंबर जो है ये 675 किसमें है सॉरी 7, 7, 14 ना 7, 7, 14 बाबू ध्यान देना 7, 7, 14 तो ये कितना हो गया भाई 645 हो गया कितना हो गया भाई तो 7, 7, 14 यानी 645 है किसी ऑप्शन में क्या ऑप्शन नंबर बी में है। गौर करना बाबू कुछ नहीं था ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और पूछा किसमें केल्विन में तो जब डिग्री सेल्सियस में दिया रहे और केल्विन में पूछे तो क्या करेंगे डिग्री सी बट्टा 5 बराबर के माइनस 273/5 5 कट जाएगा तो डिग्री सी बराबर के माइनस 273 डिग्री सी का मान 372 तो 372 प्लस ई माइनस 273 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में तो 372 प्लस 273 बराबर के तो के का मान कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 7, 7, 14, 4 बाकी 1, 3, 2, 5, 1, 6 तो आंसर क्या हो गया 645 है किसी ऑप्शन में क्या ऑप्शन नंबर बी में है तो आंसर क्या हो गया 645 पक्का ना चलिए तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप आराम से निकालिए। देखिए ये तीनों रिलेशन में कोई एक का मान देगा दूसरा का पूछेगा फॉर्मूला आपको याद है आराम से आप सेट कर लेंगे। पक्का ना एकदम समझ में आ रहा है बाबू तो लाइक और कमेंट करते रहिए और अपने दोस्त के भी शेयर भी कर दीजिए तब ना बाबू आपके दोस्त तक पहुंच पाएंगे हम और समाज की अंतिम पंक्ति तक जाने का जो मेरी तमन्ना है तभी ना पूरा हो जाएगा। इसलिए यदि हम आपकी मदद कर पाते हैं तो थोड़ा सा आप मेरी मदद कीजिए और अपने जितने भी ग्रुप हैं स्टूडेंट्स का आलतू फालतू ग्रुप में मत शेयर करो बाबू सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जिनको लगता है कि मुझे नौकरी लेना है उस ग्रुप में शेयर जरूर आप लोग कीजिए। पक्का ना चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है गौर कीजिएगा यह सवाल कहता है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। गौर करना जब डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करेगा कि किस तापमान पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होगा तो ध्यान रखना बाबू इसमें क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से यदि तापमान को बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस आप लाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री पर डेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री क्या है यह जल का फ्रीजिंग पॉइंट है
जल के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पर जल जम जाता है, लेकिन उसका डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होता है। डेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ध्यान रखिएगा, जितना टेम्परेचर पर डेंसिटी मैक्सिमम होगा उस पर वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इस पर आयतन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब जैसे 4 से टेम्परेचर को बढ़ाकर 10 तक लाएंगे या 20 तक ले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर 4 से जैसे बढ़ेगा वैसे डेंसिटी कमता चला जाएगा, और 4 से घटेगा फिर भी कमता चला जाएगा। इसलिए बोले कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा भाई, तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है, हेलो, हाँ क्लास है, जल के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब का जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब इस पर ये जमेगा, लेकिन पूछा था डेंसिटी मैक्सिमम किस पर होगा, तो ध्यान देना 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब एक तरह का और सवाल पूछता है कि यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक डायरेक्ट देगा, 4 को गायब कर देगा, कि क्या 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गौर करना बउआ, 0 डिग्री से यदि 10 तक ले जाएंगे तो इसी के बीच में 4 है ना, तो इसका मतलब है कि पहले डेंसिटी बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, पहले डेंसिटी बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा, घटेगा। इन 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ता है और 4 के बाद क्या होता है, डेंसिटी घटता है, यानी घनत्व घटता है। इसलिए बोले थे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो 0 से 4 तक ले जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और 4 से ऊपर जाएगा तब क्या होगा, घटेगा। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री की बात पूछेगा तो पहले डेंसिटी बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और मैक्सिमम डेंसिटी किस पर, तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर। इसलिए आंसर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। दिमाग में सेट हो गया ना, इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मेरे दोस्त इसको ध्यान में रखना। और ये आरआरबी जेई 2014 में, आप जूनियर इंजीनियर सुने होंगे, रेलवे में जूनियर इंजीनियर का कभी कभी फॉर्म आता जेई का, तो आरआरबी जेई 2014 में यह पूछा गया सवाल है, और आपसे एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछ सकता है। इसलिए हम बोले थे कि चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, जेई हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो जिसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है, हम आपको सारे न्यूमेरिकल से मुलाकात करवाते हैं। इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखा कीजिए, ताकि आपसे आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे तो एक भी नहीं छूटे, क्योंकि ये 3-4 न्यूमेरिकल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यही रामबन साबित होगा आपके रिजल्ट के लिए। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए, आराम से इस थ्योरी को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, देखो बाबू, अगला सवाल कहता है कि -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फॉरेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का रिलेशन है। तो ध्यान देना है, डिग्री सी बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा क्या होता है, 9 होता है, यानी डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट का यही रिलेशन है, हम आपको पहले बता चुके हैं। अब मान बैठाइए, सेल्सियस में कितना मान है भाई, -200 डिग्री सेल्सियस बट्टा कितना, 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, एफ माइनस 32 बट्टा 9। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसी को लिख सकते 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा -360 डिग्री सेल्सियस बराबर एफ माइनस 32। एफ माइनस कितना हो गया, 32, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा 360, अब प्लस कितना, 32, जोड़ देंगे तो 2 का 2 6 3 9 और 3, 392 है क्या, ये माइनस में, यहां भी बाबू माइनस में होगा, लेकिन गौर करना ये माइनस में है
और वो उधर से आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तब तो 392 नहीं हो पाएगा। गौर करना बाबू, देखो अभी गलत आंसर आ गया था और वो भी आपके ऑप्शन में था, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये -360 है, तो -360 लिख दिए, उधर प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस में होगा। तो जब प्लस में होगा तो ई हो जाएगा आपका कितना जानते हैं, -360 + 32, तो -360 + 32 करेंगे तो ई हो जाएगा 8। पक्का 10 में 10, 0 में 2 नहीं जाएगा, 10 में 2 गया 8, इधर 5 में 3 गया कितना, 5 में 3 गया 2, इधर बच गया कितना 3, तो ई हो गया -328। -328 किस में भाई, ऑप्शन नंबर बी में है, अतः फॉरनहाइट का मान कितना हो जाएगा, -328 हो जाएगा। देखिए गलत आंसर आया था वो भी आपके ऑप्शन में था, इसलिए न्यूमेरिकल जब भी बनाइए तो माइनस और प्लस को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि यहां पर देखिए माइनस में दिया था, यहां पर -40 आया, तो 9 चौक 36, तो यहां हो गया -360, अब प्लस कितना उधर से लेके चलाए तो 32, तो ये हो गया -328, तो फॉरनहाइट में मान कितना हो गया, -328, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ना सी होगा, ना ए होगा और ना डी होगा, तो आंसर क्या होगा, -328। पक्का ना, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। ये देखिए एलपी में पूछा गया सवाल था, देखिए ये सवाल जो आपसे पूछा गया है, ये सवाल जो है आरआरबी जेई का, आरआरबी जेई 2014 में ग्रीन पेपर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कि परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश पर होती है, तो ध्यान देंगे परम शून्य तापमान जब कहे तो -273 डिग्री सेल्सियस, यानी -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसी को परम शून्य तापमान कहा जाता है। अतः ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य तापमान के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। अतः -273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, परम शून्य तापमान होगा, अतः आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। पक्का ना, चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना गौर फरमाना, क्वेश्चन कहता है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, यानी टेम्परेचर कितना दिया डिग्री सेल्सियस में, 78 दिया, तो कहता है केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा, यानी केल्विन में पूछा, तो डिग्री सी बटे 0 डिग्री सी बटे 5 बराबर के -273/5, के -273/5, तो E5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, E5 और E5 क्या होगा भाई, कट जाएगा, तो E डिग्री सेल्सियस में कितना 78 था, तो ये हो गया 78 बराबर के -273, तो ये हो गया 78, माइनस को उधर लाएंगे प्लस 273 बराबर के, तो के का मान क्या हो जाएगा भाई, के का मान हो जाएगा 8 3 11 1 = 1, 7 7 14 1 15 = 5 2 1 3, तो हो गया 351, 351 केल्विन किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में है, इन डिग्री सेल्सियस में दिया था, केल्विन में पूछा, तो रिलेशन आपको पता है कि डिग्री सी बट्टा 5 बराबर एफ के -273/9, के -273/9, तो डिग्री सी बट्टे 5 बराबर के -273/5 किए, डिग्री सी बट्टा 5 बराबर के -273/5 किए, 5 5 कट गया, डिग्री सी का मान 78 था, तो 78 बराबर के -273, इसको इधर लाए तो 78 प्लस 273 बराबर के, इसलिए के का मान कितना हो गया भैया रे, तो 351 हो गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो कभी भी डिग्री सी एफ और के रिलेशन सवाल पूछे तो ई फॉर्मूला याद रखना, कौन, 0 डिग्री सी बट्टे 5 बराबर एफ -32/9 बराबर के -273/5, इसको यदि आप याद रखेंगे तो आपके हर सवाल क्या होगा, आपसे बनेगा, ई याद नहीं रहेगा तो एक और सवाल नहीं बनेगा, इसलिए दिमाग में इस फॉर्मूला को क्या कीजिए, सेट कीजिए, सेट हो रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए भैया, तब तो हम सब लोगों के पास पहुंचेंगे, तब तो हम आपकी सेवा दे पाएंगे। तो चलिए भाई, तो आते हैं अगले सवाल पर, मिलते हैं आपसे, कहिएगा का है मास्टर साहब अगला सवाल, तो देखो ये
इस टॉपिक का समझिए लास्ट सवाल है, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल का ये लास्ट सवाल अभी आप देख रहे हैं। और वो सवाल कौन सा सवाल, जो सवाल आपसे आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया सवाल है, यानी रेलवे जेई 2014 का पूछा गया सवाल क्या कहता है कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन होता है। कहता है डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का मान एक जैसा कितना टेम्परेचर पर होगा, तो गौर कीजिएगा डिग्री सी बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा क्या होता है 9। अब कोना कोनी गुना कीजिए, अब एफ के जगह भी क्या करेंगे हम जीरो ही रखकर देखते हैं कि भाई उसका मान कितना आता है। तो गौर कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो 9 बराबर इसको 9 डिग्री सी बराबर इसको भी डिग्री सी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सी माइनस कितना 5 दूना 10 5 3 15 1 16 160 हो गया। अब हो जाएगा 9 डिग्री सी माइनस 5 डिग्री सी बराबर कितना आपका हो जाएगा माइनस 160, तो 9 में 5 गया 4 डिग्री सी बराबर कितना माइनस 160, तो डिग्री सी बराबर कितना माइनस 160 बट्टा क्या करेंगे माइनस 160 बट्टा 4 करेंगे, तो हो जाएगा 4 चौक 16 यानी माइनस हो जाएगा 40। इसका मतलब है कि 0 डिग्री 5 बटे 0 डिग्री सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9 में यदि इसका भी मान डिग्री सेल्सियस में ही रख दिए तब इसका मान कितना आ गया 40 आ गया। इसका मान तो माइनस 40 डिग्री पर क्या होगा सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों का मान एक जैसा होगा। देखिए रेलवे जेई में पूछा गया सवाल है, हड़बड़ाइए नहीं, ये देखने में थोड़ा टफ है और क्वेश्चन हालांकि टफ भी है लेकिन आपको नहीं हड़बड़ाना है, लगातार आपको ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा था कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर समान पाठ्यांक आएगा, तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में रहने दिए, अब फॉरेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस लिख दिए तभी तो पता चलेगा कितना पर वो सेम होगा, तो क्या किए कोना कोनी गुना कर दिए, तो हो गया 9 डिग्री सी बराबर 5 गुने सी आपके जगह सी मान लिए तो ये हो गया 5 डिग्री सी माइनस, अब 5 गुने 32 किए तो माइनस 160, अब क्या किए जोड़ घटाव का काम किए तो 4 डिग्री सी बराबर माइनस 160, तो डिग्री सी का मान हो गया माइनस 160 बटे 4, तो माइनस 160 बटे 4 को काटे क्या हो गया माइनस 40 आ गया, अतः इसका मान क्या निकल गया माइनस 40 निकल गया। अब सेट हो गया, यदि आपको समझ में आ गया तो बाबू इसको शेयर आप लोग जरूर कीजिए। चलिए ये लास्ट सवाल था इस टॉपिक का, इन टेम्परेचर और मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर से संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, उम्मीद करते हैं कि आपसे 100% सवाल बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, रात में 8 बजे आप मेरे साथ जरूर रहिए, आप अपनी जिंदगी में यदि सफलता चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं।